दोस्तों गर्मियाँ आ गई हैं और आप में से बहुत से लोग एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि अपने घर के लिए आप कितने टन का एसी खरीदें अपने रूम के साइज़ के हिसाब से कैसे सेलेक्ट करें कि कितने टन का एसी सी वहाँ पर उपयुक्त रहेगा दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे कि किस ब्रांड का एसी आपको खरीदना चाहिए ऐसे कौन से ब्रांड हैं जो मेड इन इंडिया हैं जिनके एसी खरीदकर आप अपने देश की इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकते हैं और ऐसे कौन से ब्रांड हैं जिन्हें मेड इन इंडिया समझते आए थे लेकिन मेड इन इंडिया है ही नहीं तीसरी जो मैं टॉपिक कवर करूंगा कि इन्वर्टर एसी क्या होते हैं और ये नॉन इन्वर्टर एसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और आज के टाइम में कौन सा एसी हमें खरीदना चाहिए तो आपके मन में भी अगर ऐसे ही कुछ डाउट हैं तो 10 मिनट आप हमें अपने दीजिए आज सारे ही डाउट आपके क्लियर कर देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले ए से जुड़ी हुई एक बेसिक साइंस आपको बता दूँ कि एक टन का ए अगर किसी रूम में लगा लिया आपने तो वो बारह हज़ार बी टी यू हीट बारह हज़ार ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट को हर घंटे आपके रूम से बाहर कर देता है अब ए सी में टन क्या होता है और बी टी यू क्या होता है इससे जुड़ी हुई एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई है जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि बारह हज़ार बी टी यू एक टन का ए सी बाहर निकाल देगा लेकिन कितनी हीट हमारे रूम में पैदा हो रही है ये तो पता कर लें और कहाँ कहाँ से पैदा हो रही है तभी तो पता लगेगा कि कितने टन का एसी हमें लगाना है तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे रूम में हीट जनरेट करने का सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन बॉडी जितने ज़्यादा पीपल्स किसी भी रूम में होंगे उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर क्रिएट होगी दूसरा रीजन है फर्नीचर जितना ज़्यादा फर्नीचर किसी रूम में होगा उतनी ज़्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और स्पेशली अगर मेटल का फर्नीचर वहाँ पर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तीसरा कारण है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई लैपटॉप मोबाइल टीवी अगर आपके रूम में चल रहा है तो वो भी हीट जनरेट करता है चौथा कारण है लाइट जितनी ज़्यादा लाइट आपके रूम में होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और पाँचवा और सबसे बड़ा रीजन है सनलाइट अगर आपके रूम में कोई विंडो लगी हुई है जहाँ पर डायरेक्ट सन आती है तो वो क्या करती है डायरेक्ट हीट को आपके रूम के अंदर घुसा देती है और जो आपके रूम की दीवारें होती हैं वो भी सनलाइट से क्या करती हैं सारी की सारी हीट एब्जोर्व कर लेती हैं और इसी कारण से आपका रूम गर्म हो जाता है और हमें एसी लगाने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो चलिए दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा दूँ कि कितनी हीट ये सभी चीज़ें आपके रूम में पैदा कर सकती हैं दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा रूम हर घंटे कितनी हीट जनरेट करता है ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक रूम है जिसकी लंबाई बारह फीट चौड़ाई दस फीट और ऊँचाई दस फीट है तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रूम का वॉल्यूम आएगा 1200 क्यूबिक फीट यहाँ पर आप अपने रूम की डायमेंशन रखेंगे तो आप अपने रूम के लिए एसी कैलकुलेट कर पाएंगे अब 1200 की आप सीधी सीधी थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके रूम की जो दीवारें हैं वो कितनी हीट एब्जोर्व करती हैं हर घंटे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 3600 सौ फिर आते हैं ह्यूमन बॉडी पर तो एक इंसान औसतन 600 सौ हीट पैदा करता है हर घंटे अगर किसी रूम में चार इंसान रहते हैं तो 600 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर चौबीस सौ हीट वो लोग जनरेट करेंगे फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप मोबाइल लाइट टीवी वी औस्तन हर घंटे 400 सौ हीट पैदा करते हैं 400 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 हज़ार बी टी यहाँ से आ गया अब आते हैं विंडो पर अगर विंडो में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो आपके रूम के वॉल्यूम को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर जो बी आए थे उसका दस परसेंट और आप ऐड कर दीजिए छत्तीस का दस परसेंट मैंने थ्री सिक्सटी बी यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये आ गई टोटल हीट जनरेटेड बाई योर रूम आपका ही रूम एक घंटे में आठ हजार तीन सौ साठ बी टी जनरेट करेगा और एक टन कितना बी ट्यू बाहर निकाल सकता है बारह हजार बी ट्यू तो ये तो इससे ज़्यादा ही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप एक टन का ए सी लगाइए अब बहुत से लोग आप में से बोलेंगे कि जी इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा कोई बात नहीं उसके लिए भी मैं आपको एक सीधा सा फंडा सीधा सा रूल बता देता हूँ आप अपने रूम की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और उस वॉल्यूम को एक हज़ार से डिवाइड कर दीजिए जैसे यहाँ पर बारह सौ आया तो बारह सौ को मैं अगर एक हज़ार से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा वन पॉइंट टू और उतनी कैपेसिटी का उसके नियरेस्ट कैपेसिटी का आप ए सी ले लीजिए आपका काम हो जाएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टर ए सी क्या होते हैं और नॉन इन्वर्टर ए सी क्या होते हैं आप ए को जिस टेम्परेचर पर भी सेट करते हैं उसको बोलते हैं कट ऑफ टेम्परेचर जो नॉन इन्वर्टर ए होते हैं वो हमारे क्या करते हैं कि अगर आपने 20 डिग्री सी कट ऑफ टेम्परेचर सेट कर दिया तो उसका कम्परेचर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक चलता है जब तक कि बीस डिग्री सी अटेन ना हो जाए जैसे ही रूम का टेम्परेचर बीस डिग्री सी होगा वो बंद हो जाएगा और वो कुछ टाइम के लिए बंद ही पड़ा रहेगा जैसे ही ये टेम्परेचर 22 डिग्री 24 डिग्री होगा तो वो दोबारा से स्टार्ट होगा और फिर से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चलेगा और 20 डिग्री सी को अटेन करेगा रूम का टेम्परेचर फिर से अप जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और बार बार ये जो पावर साइकिल आप देख रहे हैं रेड कलर में उतनी पावर वो बार बार जितनी देर के लिए भी आप ए सी उसको कंज्यूम करता रहेगा इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं करते हैं इन्वर्टर एसी क्या करते हैं अगर आपने 20 डिग्री सी का कट ऑफ टेम्परेचर डाल दिया तो वो मैक्सिमम पावर केवल उतने समय के लिए ही कंज्यूम करते हैं जितना पहली बार में ये बीस डिग्री सी आने के लिए ज़रूरत है ये देख रहे हैं आप पहले ये साइकिल बनेगा बीस डिग्री सी टेम्परेचर रूम का हो जाएगा फिर वो अपनी मिनिमम एफिशिएंसी के साथ चलते ही रहते हैं सारी रात और बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और आपके टेम्परेचर को मेनटेन करके रखते हैं यहाँ पर आप बार बार ए चल रहा है बार बार बंद हो रहा है और वो हाई पावर को बार बार कंज्यूम कर रहा है और इन्वर्टर ए सिर्फ़ एक बार आपके हाई पावर को कंज्यूम कर रहे हैं फिर वो लो पावर के साथ आपका टेंपरेचर मेंटेन कर रहे हैं इसलिए आज के टाइम में अगर आप ए खरीदने जा रहे हैं तो आप इन्वर्टर ए ही लें इससे आपका बिजली का बिल बचेगा दोस्तों अब हम बात करेंगे ए के ब्रांड के बारे में इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ विदेशी कंपनियों के नाम लिखे हैं जो ए बनाती हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन किसी भी कंपनी का ए ना ख़रीदें ये इनमें से एक भी कंपनी भारतीय नहीं है हायर मीडिया दोनों ही चाइना बेस्ड कंपनी है चाइना का माल तो बिल्कुल भी आप ख़रीदें ही नहीं पैनासोनिक डाइकन तोशिबा और हिताची ये चारों की चारों कंपनियां जापान बेस्ड हैं जापान की ये कंपनियां हैं वर्ल्डपूल वर्ल्डपूल एक यूएस बेस्ड कंपनी है सैमसंग एल दोनों का नाम सुनते ही लगता है कि हमारे ही देश की कंपनियाँ हैं बचपन से ही नाम सुनते आ रहे हैं लेकिन दोनों की दोनों साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है इसके अलावा कैरियर कैरियर भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है एक दो नाम और भी हैं इस लिस्ट में जैसे फिलिप्स मिस ये भी सारी की सारी फ़ॉरन बेस्ड कंपनियाँ हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करें और आप विदेशी ब्रांड के ए बिल्कुल भी मत खरीदें दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोरनर कंपनियों के मुकाबले अब ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो मेड इन इंडिया हैं जो हमारे देश की हैं इसमें पहला नाम है लोएड का इस कंपनी को ओन करते हैं कीमत राय गुप्ता ये एक नोएडा बेस्ड कंपनी है नंबर दो है ब्लू स्टार ब्लू स्टार आज तक आपको लगता होगा कि कोई फॉरनर कंपनी है लेकिन इसको भी ओन करते हैं मोहन आडवाणी और ये भी एक इंडियन कंपनी है इसके भी ए बहुत अच्छे हैं तीसरा नंबर है वोल्टास वोल्टास भी एक टाटा का प्रोडक्ट है और ये इस कंपनी को टाटा फैमिली चलाती है चौथा नंबर है गोदरेज गोदरेज एक इंडियन बेस्ड कंपनी है इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इसको गोदरेज फैमिली ओन करती है पांचवा नंबर है ऊषा बचपन से आप ये नाम सुनते आ रहे होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं ऊषा के फ़ैन भी आते हैं मशीन्स भी आती हैं इनका हेडकोटर मुंबई में है और ये भी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है छठा नाम है ओरिएट और को ओन करते हैं सी के बिरला जी ये भी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और अच्छे ए बनाती है सातवां नाम है ओनिडा ओनिडा के ओनर हैं मिस्टर मन चंदानी ये भी एक इंडियन बेस्ड कंपनी ही है आठवां नाम है वीडियोकॉन आप सोचते होंगे ये कोई फ़ोरन बेस्ड कंपनी है लेकिन ऐसा नहीं है वीडियोकॉन के ओनर हैं मिस्टर वेणुगोपाल और ये भी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है इसके अलावा आई एफ बी सिम्फनी ये भी एक ऐसी कंपनियाँ हैं जो अच्छे ए सी बनाती हैं और इंडियन बेस्ड ही हैं तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्वदेशी अपनाएं जब हमारे देश में इतनी अच्छी ए सी बनाने वाली कंपनियाँ हैं तो हम क्यों फ़ोरन कंपनियों की ओर जाएं क्यों ना हम अपने देश के एसी सी ख़रीद कर अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें